हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं रेनू भट्ट और आज है करवा चौथ। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, अभी थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ा और रेडी होना है। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। अभी मिलते हैं हम, अभी कथा के लिए मुझे जाना है, तो अभी हम थोड़ी देर में कथा में मिलेंगे आपको। तब तक आप इंजॉय करिए। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी। बस मुझे थोड़ी सी नेल पॉलिश लगानी है और फिर मैं निकल रही हूँ अभी पूजा के लिए। पंडित जी आ चुके हैं वहाँ पे, तो फिर हम चलते हैं पूजा के लिए। बस तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल को। बाय बाय गाइस, हम हो चुके हैं रेडी। बस मुझे ये देखिए भाड़ागढ़ की रंगीली पिछौड़ी है और पंडित जी भी आ गए हैं। देखिए रास्ते में ही है, पंडित जी पहुँच चुके हैं और अभी हम तैयार हो रहे हैं। बस हमने लास्ट में पिछौड़ी डालनी है, फिर हम रेडी होते हैं। तो यहाँ हो गई है तैयारी, देखिए आके यहाँ पंडित जी। तो अभी पकड़ा दिया मैंने शैलू को फ़ोन और ये देखिए हमारी हो चुकी है पूजा की पूरी तैयारी। तो अभी हम पूजा करेंगे। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है, तो बैठे हुए हैं पूजा में। और आज धूप भी है अच्छा, मौसम ने साथ दे दिया, अदरवाइज़ तो रोज़ ही मौसम ख़राब हो जाता है। आज करवा चौथ के दिन मौसम थोड़ा साफ़ है, धूप आई हुई है, ठंड कम लग रही है यहाँ पर। तो ये देखिए हो गई है धूप, अगरबत्ती जलनी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो देखिए यहाँ पंडित जी ने हमें टीका लगाना शुरू कर दिया है। ये बारी बारी से सभी को टीका लगाएंगे, उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। देखिए आप भी कैसे पूजा स्टार्ट होती है हमारी। पात्रों परि जटा नार्य सहित भुवन वर्ण भूमि प्रपदित
देवता हनुमतस्य ओम अग्नि प्रजापति देवता नामस्य प्रतिष्ठा मानस्य पूजनम च अग्नि प्रजापति देवता की प्रतिष्ठा के लिए मैं अग्नि ओम। तो देखिए यहाँ पे सम्राट भी आ चुका है मेरे साथ, स्कूल से आया था वो, आके मेरे साथ बैठ गया पूजा में। उसे हर बार पूजा में बैठता है, इस बार वो स्कूल गया था। मैंने सोचा पूजा ख़त्म हो जाएगी, पर पूजा में टाइम लग गया, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया और वो सीधे ही यहाँ पे आ गया मेरे पास बैठने। तो अभी पूजा चल ही रही है। तो कथा भी ख़त्म हो चुकी है, अब पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं। बस अब हवन होगा, उसके बाद हमारी पूजा ख़त्म होगी। और ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं, सारी औरतें, साथ में सम्राट अकेला बैठा हुआ है हमारे साथ। पंडित जी ने भी इसे भी टीका लगा दिया है, इसे फ्रूट दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि स्कूल से आया था ये अभी। तो ये देखिए एप्पल खा रहा है यहाँ पर पंजे से बैठ के। तो बस अभी कथा हवन भी ख़त्म हो चुका है और पंडित जी अब सबको प्रसाद बांट रहे हैं, ये देखिए। और सैमी भी वेट कर रहा है प्रसाद का यहाँ पे। तो बस अब पूजा ख़त्म ही हो चुकी है और हवन भी ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग भी आज ही आएगा, क्योंकि अभी ये करवा चौथ की सिर्फ कथा हुई है। इसके बाद अभी हमने शाम को कीर्तन करने हैं, उसके बाद जब चांद आएगा उसके बाद अपना व्रत भी खोलना होगा। अभी तो थोड़ा सा बस अब कथा के बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे अपने अपने घर जाके, और शाम को फिर हम 5 बजे आके भजन करेंगे, कीर्तन भजन होंगे यहाँ पे हमारे। तो अभी हमने कथा हो चुकी हमारी ख़त्म, अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। और ये देखिए अब ये जाएंगे अपने घर, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। और तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।